जोहार दीदी। जोहार आओ बोल। अच्छा दीदी, एते दूर छगरी कर ले चराई के ले लाइन हा? घर बटे खेती उती लगा है तो घासो नहीं मिले से ले छगरी के जंगल आनी है। दीदी तुहे तो एते दूर 304 किलोमीटर छगरी मन के चराई के ले लान हा ना, ऐसन में तो तोहर छगरी थक भी जात हो, ओकर ऊर्जा भी कम हो जाता है और हाइट भी नहीं बढ़े पारते और वजन भी कम हो जातन। कोई उपाय नहीं के घर बटे से ले छगरी के हिंदे लेके आही। एक पशु सखी दीदी है ने जे हरा चारा कर स्टैंड बनायला, अगर वो हरा चारा कर स्टैंड बन जातो ने तो के यहाँ छगरी चराई के लाने के नहीं पड़तन। अच्छा दीदी, हरा चारा कर स्टैंड का होला? ओहे कुछ पेड़ कर डाली मन के राखल जाइला, तो के ओहे पशु सखी दीदी से ही विस्तार से जानकारी मिल सकन ना। अच्छा ठीक, वो दीदी कहाँ रहेला? वो पास कर गाँव में ही रहे ना। चल नहीं ले गाँव मिला देवे संगे लेवा नहीं, तब वो पशु सखी दीदी से फोन में बात कर लेवा। दे नहीं तब बात करवा दे। हेलो हेलो, जोहार, पशु सखी दीदी बोला थी? हाँ हम पशु सखी दीदी बोला थी, तो है कौन बोला था? हमारे नाम है के पुष्पलता देवी, कर्मा छपल से बोला थी। हाँ बोला, क्या बात हम बताओ। एक दीदी मिली है, वो कहत रहे कि हरा चारा कर स्टैंड बना सला। दीदी तो आओ नी मको स्टैंड बना सिखाए दे। दीदी क्या क्या सामान लगतो? हाँ हम बताती हूँ, 8 फीट कर 3 ठो बांस और साबर और रस्सी सब जोगाड़ करके रखबा। अच्छा ठीक है, हम नी कल 10 बजे आबो तो इन सब सामान जोगाड़ करके रखबा। ठीक है दीदी, मैं सामान जोगाड़ करके रखबू। ठीक है तब। तो धन्यवाद दीदी, वो दीदी से बात करवा दिले। ठीक। अच्छा तब तो आबे कल। अच्छा ठीक ठीक तब, जोहार। अच्छा ठीक, जोहार। जोहार दीदी। जोहार। कल जो पशु सखी दीदी कह रहे से सामान मन के जोगाड़ कर रहे ने? सब जोगाड़ करल है। जोहार दीदी। जोहार। कल तो ही ना फोन कर रहा? हाँ हम दे फोन कर रही। दीदी कल इनकरे बारे में हम इन बात करत रही, आ रही आए गए आज। यह दीदी है कह? हाँ यह दीदी है कह। आवा तब बैठा। नहीं एखन नहीं बैठब, सब सामान मन जोगाड़ कर रहा नी, हले चला बनाए शुरू करी ला। हाँ सब जोगाड़ करल है चला तक। सामान मन जोगाड़ करके राख हैं से तनी बता दवा कैसन बनाना। अच्छा ठीक है तब चल। सबसे पहले हम इन 6 से 10 फीट कर दूरी में एगो माने एगो गड्ढा इस साइड एगो गड्ढा उस साइड, 2 ठो गड्ढा कोड़ना है नहीं? सबसे पहले हम इन कोड़ब इके धर, हम इन नापी ला जमीन के पहले। ये देख दीदी, 6 से 8 फीट हम इन नाप थी लेकिन 6 फीट में ही हम इन गड्ढा कोड़ब। हाँ अच्छा ठीक है दीदी, आप नापा गेलक उ जगह एगो चिन्ह लगा इन्हें से हम चिन्ह देव थी। अच्छा दीदी नापी तो हो गए, आप साबर लान हम इन गड्ढा कोड़। अच्छा दीदी ठीक है। अच्छा दीदी अब हम इन गड्ढा कोड़ थी है नहीं?
गाढ़ा तो अब तैयार हो गया दीदी, अब खूटा के हमें नापी करी ले। ये देख दीदी, ये खूटा कर ऊंचाई तो ऐसे 5 फीट होना चाहिए, लेकिन हम इन बकरी कर ऊंचाई कर हिसाब से बना थी। बकरी छोट है, सेले 4 फीट ही रहले ठीक होते। जैसे हम इन खूटा के नाप ली, वैसने हमें ऊपर में जो देवे बांस वो भी 6 फीट होना चाहिए, उके भी हमें नापी कर ले। अब क्या करबे दीदी? अब ये नापी हो गए नी, अब हम इन जो खूटा काट के राखी से के गाड़ब। लाना खूटा के देवा, अब हम इनके गाड़ देवे। अच्छा ठीक है। इके नी जब भी गाड़ल जाएला टाइट से गाड़े ना, ताकि छगरी मन पाल्हा खींचब नी से खन ना गिरे। बटे कर खूटा तैयार हो गए, अब हिने भी हमें खूटा के गाड़ब। खूटा तो तैयार हो गया, अब हमें नी बांस के ऊपर में बांधब। ठीक है, अब हमें नी के बांध देवे। तोहिन के हम जैसे बता रही कि बकरी कर ऊंचाई कर आधार से इके हमें बनाई ला। अगर बकरी कर ऊंचाई 3 फीट है तो हमें 3 फीट कर स्टैंड बनाब। इके हम इनके अच्छा से मजबूती से बांधना चाहिए। ठीक, ये खूटा बांधा गया, अब हमें इसने इबट कर खूटा के भी बांध गई है नी। खूटा मजबूती से रहना चाहिए। अब क्या करे खोई दीदी? अभी तैयार हो गया, अभी कर में चारा बांध के हम तो इनके बता थी। इके थोड़ा थोड़ा दूरी में बांध देना है के हले छगरी मन खावे तो ढूसा ढूसी नहीं होबे। ई जगहन बांध ली, अभी के थोड़ा दूरी में बांधब। अगर थोड़ा दूर दूर में रह ले नी छगरी मन खावे तो ढूसा ढूसी नहीं होबे। अच्छा दीदी, बकरी तो जंगल में चरा ना, पर हम उके घर में लाइन के काले खियाबे? घर में इस चलते खियाल जाएला कि बकरी के ईसन चारा टांग के दे लेनी, उके लागे ला कि हम गाछे से खाती। और बकरी कर जैसे जमीन में जे पाल्हा देवे ना नी, तो उकर में धूल मिट्टी हो जाएला, सेकर से बकरी उके नहीं खाएला। और जितना इकर में बकरी कूद के खाएला नी, अपन के लफाए लफाए के, उतना उकर शरीर का विकास अच्छा तरीका से होला। सेले हमें चारा हमेशा बांध के ही खियाना चाहिए। अच्छा दीदी, छगरी कर पेट भरे में कतरा समय लगे? छगरी कर पेट भरे में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। छगरी 2 से 3 डाली ही खाना, और ईसन टाइम के देवा नहीं, हले उकर शरीर कर ऊर्जा भी कम खत्म होगी। और जे जंगल में कूद कूद के फालतू कर थके ना, सेकर से माने कि कम समय में उकर पेट भी भर जाता या शरीर कर ऊर्जा भी उकर बन ले रहेला। सेल टाइम के खियाना चाहिए। अच्छा दीदी, ऐसन में हम इनका बकरी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेला, और इके अच्छा दाम से भी हम इन बाजार में बेच सकीला, और इकर से पैसा कमा सकीला। ठीक है, तोहिन तो जान गेला, अब तोहिन के हम जैसन बता ली नी, और मन के भी इसने बताबा और इसने जानकारी देबा। ठीक है, ठीक है, ठीक है दीदी, तब हमार बटे से भी तोहके बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जोहार जोहार। हरा चारा स्टैंड बनाने के फायदे। बकरी का शारीरिक विकास सही तरीके से होता है, बकरी का वजन में वृद्धि होता है, बकरी की ऊर्जा बनी रहती है। जोहार, एखन रोरेमन देख ली कि हरा चारा का स्टैंड कैसन बनाल जाएला।
यह चलते जे हम रोरे मन के सब कोई के बता ली ये विधि के अपनाऊ और अपन बकरी के स्वस्थ रखू और उकर वृद्धि विकास के बढ़ाऊ और अपन आजीविका के आगे बढ़ाऊ। से ले हम इनके बकरी के जंगल में चराए के लिए नहीं लेकना चाहिए। बकरी के चरे के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 डाल ही खाना, लेकिन पूरा जंगल में हिने हुने कूद के ही बकरी थक जाना, जेकर से उकर शारीरिक ऊर्जा खत्म हो जाएगा और मन थक जाना, कमजोर भी हो जाना। और बकरी खाए ना तो ज्यादा नहीं, 2 से 3 डाल खावे करे ना, लेकिन हिया हुआ खाली जंगल में घूम के थक जाना। से चलते हम इनके बकरी के हरा चारा स्टैंड में ही खिलाना चाहिए। से ले सब कोई ये विधि के अपनावा और अपन बकरी कर शारीरिक विकास करा और अपन आजीविका के बढ़ावा। हम इनकर गांव देहात ले बकरी पालन एगो बहुत अच्छा धंधा है और बहुत बड़ा रोजगार है कि हम इन बकरी पालन करी लानी तो इकर से हम इनके जब जरूरत है तब हम इन पैसा पा सकीला। ये अपन हम इनकर एगो पूंजी है। कैसे ले बकरी सब कोई के पालना चाहिए और सबके अच्छा तरीका से रख रखाव करना चाहिए और हरा चारा स्टैंड बनाना चाहिए और चारा के हमेशा टाइम के ही खियाना चाहिए। हम सब कोई के फिर से धन्यवाद करीला। जोहार। समझौता ना करने वाले बिंदु, हरा चारा स्टैंड बनाने के लिए 4 फीट की 2 लकड़ी और 6 फीट की 1 लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। खूंटे को गहराई में अच्छे से गाड़ना चाहिए। स्टैंड की ऊंचाई बकरी के अनुसार होनी चाहिए। बकरी को चराने के लिए ज़्यादा दूर नहीं ले जाना चाहिए।